गाइस तो देख सकते हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर से, अब हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वर, पहले महाकाली के मंदिर उसके बाद महाकाल के मंदिर। तो गाइस देख सकते हैं सामने है फौजी साहब यहाँ पे, और ये जो गेट बनाया है ना, ये 20 कुमाऊं ने बनाया है, जिसमें मेरे हस्बैंड है आर्मी में कार्यरत। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ मंदिरों के दर्शन कराऊंगी जो हमारे उत्तराखंड में है, और वहाँ पे ना काफी महिमा है, आप जो मांगते हो जो बोलते हो वो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो कुछ मंदिरों में हम दर्शन करने के लिए गए, सबसे पहले हम गए थे हाट कालिका मंदिर, तो वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। बहुत महिमा है माता काली का वहाँ पे, और मेरा मन कब से हो रहा था, 2 साल पहले से मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि मुझे वहाँ जाना है और माता के दर्शन करने हैं। उसके बाद हम गए थे पाताल भुवनेश्वर, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे क्योंकि बाहर से भी वहाँ पे लोग आते हैं। और उसके बाद हम गए कोटगाड़ी देवी बोलते हैं, जहाँ माता को न्याय की देवी भी बोला जाता है, और वहाँ पे ना हजारों की संख्या में भीड़ थी, और उस भीड़ में से लोग मुझे बोल रहे थे ना, काफी लोगों ने मुझे काफी सम्मान दिया, उन्होंने बोला कि तुम्हें माता का स्वरूप दिया है, माता के जैसे आपके बाल हैं और ऐसा ही आपका रूप भी है, तो माता की कृपा है, माता की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, ये सच बात है, माता की कृपा बहुत है, और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, और लोगों का भी काफी सम्मान मिलता है, काफी अच्छा लगता है मुझे। कुछ चंद लोग होते हैं ना, आपसे चिढ़ने वाले भी होते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी अपने काम को लेकर आगे बढ़ने लगता है तो उनको फिर चिढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये कैसे पहुंच गई यहाँ तक और कैसे ऐसा हो गया। तो आपको मैं पहले मंदिर के दर्शन करा देती हूँ, कितनी भीड़ थी वहां पे, काफी लोग पूछ रहे थे, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि पब्लिक रिएक्शन का वीडियो बनाइए, तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं मार्केट भी जाती हूँ तो सभी लोग मेरे बालों के बारे में पूछते हैं, और क्या लगाते हो, कैसे इतने लंबे बाल हो गए, आपने डबल चोटी बनाई है और हमारी एक भी नहीं बनती, और इतने मोटे भी कैसे हैं, घने भी कैसे हैं, मेरा एक बाल भी ना काफी थिक है, तो एक बाल भी है ना काफी हार्ड बाल है मेरे, तो अभी मैंने बालों को वॉश किया था, अभी भी नहीं सूखे हैं मेरे बाल, इतनी गर्मी है, और उसके बाद ना गर्मी में काफी पसीना भी हो जाता है, और मैं सुखाते रहती हूँ पंखे की हवा में, वैसे नॉर्मली हवा में बालों को सुखाती हूँ। तो गाइस आपको भी कराते हैं मंदिर के दर्शन, तो जो मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ उनको भी आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे आप मेरी टिप्स की वीडियो देखते हैं वैसे ही आप मेरे ब्लॉग भी देखिए, और तभी आप मेरे बारे में और भी चीजें जान पाओगे, कि आप बोलते हैं काम नहीं करते, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ अपने बालों की देखभाल करते होंगे, काम कुछ नहीं होता होगा, तो ये चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए आपको मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो हम जा रहे हैं, अभी जा रही हैं हम महाकाली मंदिर, गंगोली हाट, हाट काली का जहाँ बोलते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं अभी, और आपको दिखाएंगे मंदिर में, आपको माता के दर्शन कराएंगे। तो गाइज पूरा ब्लॉग जरूर देखिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, पूरी फैमिली के साथ हम जा रहे हैं। ये हमारी ये वाला हाँ तो गाइस देख सकते हैं सामने है फौजी साहब यहाँ पे, और ये जो गेट बनाया है ना, ये 20 कुमाऊं ने बनाया है, जिसमें मेरे हस्बैंड है आर्मी में कार्यरत। तो
माता को बहुत मानते हैं, इसीलिए तो माता फौजी भाइयों की रक्षा करती है। तो देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है, और जो भी लोग आते हैं ना, ऐसे बहुत सारी आपको ये घंटियां दिखाई देंगी यहाँ पर, और इतनी अच्छी तरीके से मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पर माता की बहुत शक्ति है, जो भी आप मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं वो पूरी होती है सच्चे दिल से मांगने पे। तो आज देखिए, फ्रंट साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे माता के दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ की बहुत महिमा है, और जो भी लोग यहाँ आते हैं ना, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो हम पूरे परिवार समेत यहाँ पर आए हैं, ये देखिए। मेरी YouTube फैमिली के लिए भी माँ से मैं यही दुआ मांगती हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, और आप श्रद्धा से यहाँ आए और यहाँ के भव्य दर्शन करें। तो गाइज, यहाँ पे माता के साथ मैंने कुछ तस्वीरें ली, और मेरी आंखें भी भर आई क्योंकि बहुत टाइम बाद मिली मैं, तो इसलिए तो माँ से मिलने की खुशी ही कुछ अलग थी मेरी। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाहर पे जो तस्वीर है, वहाँ पे मैंने माँ की तस्वीर के साथ। गाइस, तो देख सकते हैं अब हम जा रहे हैं मंदिर से, अब हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वर, पहले महाकाली के मंदिर, उसके बाद महाकाल के मंदिर। महाकाली मंदिर में तो कर दिए दर्शन। हाँ, तो फिर पहले महाकाली के मंदिर, उसके बाद महाकाल मम्मी। तो गाइस देख सकते हैं शेर, बीस कुमाऊ। गाइस देख सकते हैं, ये है पाताल भुवनेश्वर वाली रोड, जहाँ से पाताल टूरिस्ट प्लेस है यहाँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं देखिए। और ये जंगल है, ये जीवल आ गया, जीवल जीवल यहाँ पर बोर्ड लगा है, और गनोरा 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 है गनोरा है गनोरा। तो गाइज देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है माता कोटगाड़ी देवी भगवती मंदिर। तो यहाँ पर भी हजारों की संख्या में भक्त थे, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग मेरे बालों के बारे में और मुझसे बोलने लगे कि देवी का ही स्वरूप है। काफ़ी लोग आश्चर्य से देख रहे थे, देख रहे हैं ना, इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे, लेकिन मैं वीडियो उस टाइम पर नहीं बना पाई जब लोग पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता हर चीज़ में वीडियो बनाऊं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मान सम्मान दिया। तो गाइज, इस मंदिर में ना 24 घंटे भीड़ लगी रहती है, और इतनी महिमा है ना यहाँ,
लोग चिट्ठियाँ लिख के पत्र लिख के रखते हैं जो भी उनकी मनोकामना होती है, और मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। आई होप कि गाइज मेरा ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।